अभी मैं हूँ रूफटॉप में और मैं यहाँ पे क्यों पता, अभी बजा है रात का 7:30 और अभी हम लोग जाने वाले हैं डोंका। डोंका में क्या है आप लोग पता नहीं है ना, ऑटोनोमस काउंस डे है तो मैं वहाँ पे जाऊंगी, उसके बाद मुझे पता चलेगा। और बॉलीवुड से गाइस सिंगर आ रहा है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ उनसे मिलने के लिए, क्योंकि एक बार रितो रिवा भी आए थे, रितो रिवा का बहुत बड़ी फैन हूँ ना, लेकिन रितो रिवा को मैं मिलने जा नहीं पाई, तो इसीलिए जो डोंका में आ रहा है मैं उनसे तो मिलने जाऊंगी। तो इसीलिए मैं देखो एकदम रेडी हो चुकी हूँ और जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। कुछ फ्रेंड्स है वो लोग अभी तक आया नहीं, वो लोग आने के बाद मिलते हम लोग सब एक साथ जाने वाले, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, आप लोग वीडियो बने रहो। मैं आज तो वहाँ पे पूरा झूमने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से, जैसे कि पिछले साल, उससे पहले साल को मैं फेलकॉन पे गई थी, फेलकॉन पे मैंने इतना एंजॉय नहीं कर पाया, उसके बाद पापोन आया था, पापोन के टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत एंजॉय किया हो जाए, मैं उसके बाद मैं कहीं पे भी नहीं गया जिंदगी में, मेरा दो बार ही ऐसा बड़ा कॉन्सर्ट पे मैं एंजॉय कर पाई, उसके बाद नहीं। तो आज होने वाला है मजा, तो बहुत सारे लोगों से मिलने भी वाले और आप लोगों को मिलाने भी वाले, और अगर चांस मिला तो मैं वो जो सिंगर आ रहे हैं ना बॉलीवुड से, मैं उन लोगों से भी बात करूंगी और आप लोगों से भी मुलाकात करवाऊंगी, आप लोगों से मिलवाऊंगी, तो गाइस बहुत मजा आएगा। हे गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डोंका मुकाम और अभी हम लोग हैं स्टेडियम के पास, और देखो इतना ही ज्यादा क्राउड है, हमारा कार्बी आंगलोंग और हो जाए, बहुत अलग अलग जगह से काफी लोग आए हैं। आज ऑटोनोमस काउंसिल डे है इसीलिए, और बॉलीवुड से सिंगर आने ही वाला है प्रकृति और उसका बहन, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और डेकोरेशन देखो इतना ज़्यादा खूबसूरत से बनाया है ना गाइस अंदर, और कुछ मेरा सब्सक्राइबर मुझे हाय बोल रहे हैं, हेलो, कितना मज़ा आ रहा है गाइस, चलो अंदर चलते हैं अभी। हे गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ डोंका, इतना क्राउड ना और इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और डेकोरेशन तो क्या ही बोलूं, इतना ज़्यादा खूबसूरत, देखो ज़्यादा बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा, इतना मज़ा आएगा मुझे, मैंने सोचा नहीं था गाइस इतना ज़्यादा ही क्राउड है ना, आज है 72 फाउंडेशन डे कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल का, इसी खुशी को चार चांद लगाने के लिए बॉलीवुड का फेमस सिंगर सुकृति और प्रकृति को फाउंडेशन डे में बुलाया गया, ताकि हमारा पूरा कार्बी आंगलोंग झूम उठे खुशी से, क्योंकि आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि ऑटोनोमस काउंसिल का बर्थडे ही कह सकते हैं हम लोग, और इस बर्थडे को तो सेलिब्रेट करना बनता ही है। और साथ में यहाँ का डेकोरेशन किया बैम्बू से, और हमारा ट्रेडिशनल कलर ब्लैक वाइट एंड रेड कलर से, और ये हमारा कार्बी का पहचान है, तो चलो आगे आगे देखो क्या क्या होता है। वैसे गाइस बहुत ही ज्यादा भीड़ है, जहाँ पे चलना भी बहुत मुश्किल है। तो देखो काफी सारे व्लॉगर्स भी हैं और सभी लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अजंता मुझे कह रही है कि थोड़ी देर के बाद अंदर जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भीड़ है और मेरा सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर में इंतजार करेंगे। जब हम बाहर निकले ना, तो ये दोनों बहन मेरे पास आए, डर डर के बोला कि मैं, मुझे सेल्फी मिलेगा क्या, तो मैंने बोला अरे यार आप लोगों के वजह से ही तो मतलब कुछ मुझे पहचान रहे कुछ लोग, तो आप लोगों को मैं क्यों नहीं दूंगी, मैंने बोला हाँ मुझे भी लेना है आप लोगों से, तो वो लोग डर डर के आए, मेरे से सेल्फी लिया, इतना खुशी था ना उन लोगों के फेस में, वो एक नर्वसनेस एक खुशी दिख रहा था, और उन लोगों का खुशी देख के मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा ही काम कर रही हूँ शायद, जो लोगों को पसंद आ रहा है और इतना सपोर्ट कर रहा है मुझे। कैसे हो? मैं यहाँ पे हूँ 72 कल्चरल फाउंडेशन डे पे। अच्छा, और बहुत अच्छा लगा इसको मिला यहाँ में। हाँ, आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। हे गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ 72 फाउंडेशन डे कार्बी आंगलोंग का, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आने के बाद का लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे, कोई कोई आ रहा है सेल्फी लेने के लिए, तो बहुत ज्यादा खुशी मिल रहा है। और वैसे आप लोगों को जो दिख रहा है और ये सब डिजाइन बनाया गया है हमारा कार्बी ट्रेडिशनल पोहो पिनिकम्पला पेकॉक से, बहुत ज्यादा खूबसूरत, और यहाँ पे काफी लोग अपना फोटोज ले रहा है, वीडियोस बना रहा है, मतलब बहुत कुछ, तो इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, इतना ज्यादा भीड़ लगा इसलिए कंफ्यूज हो गई हूँ कि किस तरफ में मुझे जाना है, क्योंकि हमको समझ नहीं आ रहा है, हम अंदर गए थे पहले, फिर सोचा कि अंदर बहुत भीड़ है, तो बाहर निकलते हैं, बाहर आने के बाद यहाँ पे खड़े थे तो हवा भी आ रहा था, बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे एक जगह है ना देखो इतना ज्यादा लोग है और सभी लोग इतना ज्यादा ही सुंदर लग रहा है, हाय हेलो देखो ओके ओके श्योर 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 चलो इतना
इतना अच्छा लग रहा है, प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, बहुत खुशी मिलता है। यहाँ पहुँचते ही लोगों के अंदर मैंने जो प्यार देखा ना, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था। मुझे पता ही नहीं था कि इतना लोग मुझे इतना प्यार देंगे, मुझसे सेल्फी लेंगे। जैसे कि मैं यही सोच के इस फील्ड में आई थी कि मुझे लोगों का ढेर सारा सपोर्ट मिलेंगे, एक दिन लोग मुझे पहचानेंगे, लेकिन अभी ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा बहुत लोग मुझे अभी जानने लगे। वैसे गाइस अंदर जाने का तो हमने बहुत ज़्यादा कोशिश किया, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ है ना, चलने का भी जगह नहीं था। और वैसे हम बाहर आ चुके थे, तो बाहर आने के बाद देखा कि कुछ लोग फिर मेरे साथ आए मेरे साथ फ़ोटो लेने के लिए, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिला। और ये सब खुशी और ये सब सपोर्ट बस आप लोगों की वजह से है। आप लोग मुझे देखते हो, प्यार करते हो, और इस वजह से आप सभी से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहो। जब मेरा 1K सब्सक्राइबर था तो आप लोग इतना सपोर्ट करके आज 82 तक पहुँचा दिया, तो गाइस जल्दी 100K भी होने वाला है। जल्दी से मुझे सपोर्ट करो बहुत सारा, और बहुत जल्दी ऐसे हम लोग भी मिलेंगे। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। गाइस कहां फंस गए, ओ माय गॉड, ओए हम मर जाएगा सच में। चल चल आगे, चल आगे, चल आगे, चल बहुत धीरे, सॉरी दे ना तुम आपको कुछ कर लो। ओ माय गॉड गाइस, कुछ तो हुआ है, बहुत धक्का मक्का हो रहा है, कोई मंत्री मंत्री आया है शायद। कौन निकलेगा इस तक, आ जा आ जा, माय गॉड, बहुत ज्यादा आ रहा था गाइस।
चुके थे और इनका गाना सुन के तो मैं हो गई थी पूरा पागल, क्योंकि हमको नाचने का मन इतना ज़्यादा कर रहा था। और गाइस मैं वैसे बाहर थी कि कैमरा को अंदर करके मैं वो सब चीज़ें कैप्चर कर रही हूँ, और अभी मैं जाने वाली हूँ अंदर और सामने से आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग एक्साइटेड हो उनको सामने से देखने के लिए? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो चलते हैं। अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखो मेरा दोस्त तो नाच रही है, पूरा ठुमका लगा रही है, लेकिन ये वाला जो गाना बज रहा था मुझे इतना ज़्यादा अच्छा से नहीं आता, इसीलिए मैं उस चीज़ को फील नहीं कर पा रही थी। लेकिन आगे आगे तो बहुत मस्त मस्त गाना आने वाला है ना। तो एक सब्सक्राइबर आया गाइस, देखो थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए और इतना प्यार। ओ माई गॉड, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। फिर दोबारा आ गया, थैंक यू सो मच। कैसा लगा व्लॉग? आई होप अच्छा लगा होगा। और वैसे अभी मैं घर पहुंच गई हूँ, अभी बजा है रात का 2 बजे और गाइस इतना ज्यादा थक चुके थे ना, वैसे आप लोगों ने वीडियोस देखा ही है ना, इतना ज्यादा मैं उछल कूद कर रही थी ना, मैं पूरा थक चुकी थी। उसके बाद मेरा फोन का बैटरी भी खत्म हो चुका था तो मैंने अपना व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया और मैं इस व्लॉग को यहाँ पे ही खत्म करती हूँ। और आई होप आप लोगों को मजा तो आया होगा, अगर मजा आया हो तो कमेंट में बताना। और गाइस किस किस से मिली मैं आज, वो सब तो मेरा व्लॉग से आ ही चुका होगा और आप लोगों ने मुझे देखा है ना दोंगा मुकाम पे, तो कमेंट में बताना देखा है बोल के। और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं और थैंक यू सो मच, बहुत रात हो चुका है, अभी मैं सोने वाली हूँ गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, चुम्मा सबको, बाय बाय।